अब हमारे पास एक कीवर्ड है सोच का, SWIT, सोच। ऐसे ही मैंने सोच लिखा, ब्लू होगी इसका मतलब है ये कीवर्ड। उसके बाद प्रिंसेस लगा दी, प्रिंसेस के बाद में फिर कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारा सोच का सिंटैक्स सिंटैक्स जो है कंप्लीट हो गया। अब कर्ली ब्रेसेस को मैं नीचे लेके जाता हूँ ताकि हमारी थोड़ी सी शक्ल बन जाए, और इसके अंदर मैं ये वाला वेरिएबल काम कर लेता हूँ, यानी कि ए सॉरी। और यहाँ पे मैं 10 की जगह पे 01 बनाता हूँ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कोई एरर नहीं है, तो एरर नहीं है कि हमारा सिंटैक्स सही है। अब हम क्या करते हैं, स्विच की बॉडी में आ जाते हैं कर्ली ब्रेस। आपको ये पता होगा यहाँ पे हम केस यूज करते हैं, CASE केस वन, ठीक है। हमारे पास अगर ए के अंदर वन आए तो ये वाला केस चले, अगर के हमारे पास वेरिएबल के अंदर दो टू आए तो वो टू वाला चले। ये हमारे केस लिखने का सिंटैक्स है, केस लिखेंगे उसके बाद केस के जो हमने यूज करना है वो लिखेंगे जो केस होगा, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, कॉलम के बाद हम नीचे वाले लिखने पे आ जाएंगे वन पे। यहाँ पे लिख देते हैं यस, यहाँ पे मैं मजीद क्लियर कर यस दिस इज वन, ठीक है। मैं ये थ्री डॉट और सारे ये भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ क्या ये रन होता है। ये देखिए अगर आप देखना चाहते हैं ये वाला केस वन हमारा चल गया है, ये वाला ये वाला वन, ये वाला वन है, वेरिएबल के अंदर वन आया तो वन वाला केस चल गया और उसके लिए ये वैल्यू थी वो रन हो गई। अब इसके बाद एक और चीज यूज करते हैं वो है ब्रेक। हम ब्रेक टाइप करते हैं ब्रेक मैंने टाइप किया वो भी ब्लू हो गया, इसका मतलब है ये भी कीवर्ड है, ठीक है। और वो एरर आया था वो भी चला गया। अब ये देख रहे हैं कि हम ब्रेक क्यों यूज करते हैं, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको वन टू मैं कर देता हूँ ये वाला, ये इस केस को टू कर देता हूँ, इस केस को मैं थ्री कर देता हूँ, और ये वाली ब्रेक जो है इसको मैं सिंगल लैंप कमेंट के साथ कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास केस क्या था, वन था। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करने के बाद अब ये आपने गौर से देखना होता क्या है, वन टी डब्ल्यू टू एच आर नंबर थ्री। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको फिर रन कर देता हूँ, हमारे पास केस वन आया है, वन चला है तो क्या आंसर आया है वो देखिए। ये स्टेटमेंट रन होगी, ये भी रन होगी, ये भी रन होगी। अगर नहीं पता चल रहा तो मैं ये सॉरी ये वाली स्टेटमेंट ये वाली आ गई, ये वाली स्टेटमेंट ये वाली आ गई, मैं इसको फिर लगा देता हूँ कलर भी इसका ये वाले, और ये वाली स्टेटमेंट सॉरी और ये और स्टेटमेंट ये। कहने का मतलब ये कि सोच के अंदर अगर पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी आगे वाली जितनी भी कंडीशन है वो सारी रन हो जाएगी। इस चीज से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्रेक साफ को यूज करते हैं, कहते हैं कि ब्रेक लगा दे, क्या भी कंडीशन ट्रू हो जाए वहां पे जो है ना उससे आगे ब्रेक लगा दे, क्योंकि रिजल्ट तो उसी का शो होगा जहां पे ट्रू हो रही होगी कंडीशन, यानी कि उससे अगर दो नंबर केस आता तो वन तो नहीं चलता, टू भी चल जाता, थ्री भी चल जाता। अब क्या होगा अगर थ्री वन केस है तो आगे वाले दोनों बंद हो जाएंगे, इसके बाद ये इससे बात लग जाएगा। ये देखे हमारी वन कंडीशन प्री हुई है, वन चला है, अब मैं कंडीशन चेंज कर देता हूँ टू कर देता हूँ,
अब इसको फिर रन करता हूँ, देखते हैं क्या चलाते हैं। हमारे पास फिर टू ही आया है, ना वन चला है ना टू थ्री चला है, सिर्फ चला है तो टू चला है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज होती है, वो ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो क्या, कोई बैठा होता है उनाड़ी बंदा मेरे जैसा, हमने उसे मैसेज बता दिया था एक से तीन और उसने प्रेस कर दिया फोर, उसके लिए इलाज करना है। लिखेंगे डिफॉल्ट की वर्ड लिख के उसका इलाज करेंगे। अब चेक करते हैं डिफॉल्ट की वर्ड है कि नहीं। टी एफ ए यू एल टी डिफॉल्ट दे रहा है। ओहो दोस्तों, यहाँ पे मैंने डी कैपिटल दे दिया है, इसलिए एरर आ गया। आपने ये ख्याल रखना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बाद में परेशान बहुत करती हैं। हम क्या करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट कॉपी कर लेंगे। ओहो, इस वाली स्टेटमेंट को हम कॉपी करेंगे और ये डिफॉल्ट के नीचे आके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कह देंगे S E L E C T select only one two or three। ठीक है, अच्छा अब ये चेक करते हैं कि ये हमारी बास मांग भी रहा है। यहाँ पे फोर टाइप कर दिया, एंटर किया, यहाँ पे देखें कि हमारे पास वही मैसेज आ गया है। कौन सा मैसेज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला मैसेज वही मैसेज आ गया जो हमने यहाँ पे टाइप किया है, सेलेक्ट ओनली वन टू और थ्री। क्या सेम है, मुझे तो ये बिल्कुल सेम लग रहा है, ये आंसर है। इसका मतलब है हमने आज इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट सीख ली है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो फंक्शन पे होगा, और ये मैं आपको बता दूं फंक्शन का लेक्चर मेरे ख्याल में बड़ा हो जाएगा, कोशिश करूंगा उसको भी छोटा रखने की, अगर से हुआ तो पॉड बना दूंगा। आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।